मंच पर आसीन डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, डॉक्टर नील रतन, प्रोफेसर राव, वरिष्ठ आईएएस झा साहब और सक्सेना साहब और अनिल कुमार सिंह झा साहब। सर, जो मेरा टाइटल है वो है लो बर्थ वेट पे, कि जो है उसका इंटरवेंशन टूल हमें डेवलप करना है, क्योंकि जनरली रिसर्च में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि बिंदेश्वर पाठक साहब कर रहे हैं। तो उसी तरह की एक स्टडी है, तो ये जो स्टडी है ये राजस्थान के जालौर ज़िले में जो है की जानी है। इसमें जो है हम दो पीएचसी को लेंगे, उन पीएचसीज पे जो है ये अध्ययन करेंगे। पहले समझना ज़रूरी है कि बर्थ वेट क्या होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो है विद इन वन आवर वेट किया जाता है, तो वो वेट जो होता है वो उसका वजन कहलाता है। और इसमें जो है फिर लो बर्थ वेट हम किसे कहेंगे, लो बर्थ वेट हम उसे कहेंगे जो 2500 ग्राम से नीचे होता है। तो जो है ये दुनिया में 20% के आसपास है टोटल, उसमें जितनी भी डिलीवरीज होती हैं, और इंडिया में जो है 18% है। तो राजस्थान को हमने क्यों चुना, राजस्थान को इसलिए चुना इस एरिया को क्योंकि वहाँ पर जो है एजुकेशन लिटरेसी जिस एरिया में स्टडी की जानी है वहाँ 50% के अराउंड है। तो इसमें जो है कुछ कारक जो हमें पता है लेकिन कुछ अननोन सोशल फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है जिनका इनडायरेक्टली जो है इस लो बर्थ वेट से संबंध है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं टू फाइंड आउट नॉन अननोन सोशल फैक्टर्स एंड उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन प्लान इसमें डेवलप किया जाएगा। तो इसका जो आउटकम होगा स्टडी का वो ये होगा कि जो है उनके बेसिस पे जो हम बेसलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे उसके आधार पे बिहेवियरल चेंज मॉडल डेवलप करेंगे जिससे जो है स्टडी हेल्पफुल होगी। अभी जो है इस पे ये जो है मेरी स्टडी है जो कि अभी की जानी है, ये प्रोटोकॉल था इसका। लेकिन इसके बाद जो है कुछ चीज़ें मैं रखना चाहूँगा जो बिंदेश्वर पाठक जो साहब रख रहे हैं, कि क्या अभी एक मैंने और स्टडी डेवलप की है जिसमें ट्रांस थ्योरेटिकल जो है मॉडल डेवलप किया है उसमें जो उसको अडोप्ट किया जाना है। तो वो मॉडल किसने डेवलप किया था, वो मॉडल डेवलप किया था जोसेफ प्रोकेसा जो है 1942 में बोर्न हुए थे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा वो जो है पाठक साहब के ही कंटेम्प्रेरी हैं क्योंकि वो 1942 में बोर्न हुए, पाठक साहब जो है 1943 में बोर्न हुए। वो जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, पाठक साहब सोशियोलॉजिस्ट हैं। आगे सुनते जाइए प्लीज़, इसको ध्यान से सुनिए आप। उन्होंने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में की वो 1968 में की, पाठक साहब ने 1980 में की, ये डिफरेंस रहा। लेकिन उनको उन्होंने जो अपनी सोसाइटी की स्थापना करी तो वो 98 में की, पाठक साहब ने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 में की। फिर जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें इसी संदर्भ में जो काम हो रहा है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इम्फेसिस करती है इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च पे, लेकिन जो है हमारे पाठक साहब तो 70 से ही कर रहे हैं। तो जो है सरकार ने जो आइडेंटिफाई किया इम्प्लीमेंटेशन का वो बहुत लेट किया है। हो सकता है पाठक साहब को उन्होंने कोट नहीं किया होगा लेकिन लर्निंग पाठक साहब से ही रही होंगी। तो इन्होंने कहीं भी समस्या को आइडेंटिफाई नहीं किया, इन्होंने जो है समस्या का समाधान करने की सोचा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि कहाँ टॉयलेट नहीं है, इन्होंने ये आइडेंटिफाई करने के बाद उसको दूर कैसे किया जाए, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उस तरह के जो है वो चीज़ें सब उपलब्ध करवाई गई। फिर इनका फोकस यहीं तक नहीं, फिर जो है इन्होंने सोचा कि जो है यह जो है वोटर पे भी जाएं। तो इससे क्या सीध होता है, इनका जो गोल है वो क्या ओरिएंटेड है, सॉरी जो इनका जो मोटिव है उसका ओरिएंटेशन क्या है। गोल ओरिएंटेशन इनका मोटिव बिल्कुल भी नहीं है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो प्रोग्रेस ओरिएंटेड है क्योंकि प्रोग्रेस में गोल होते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि एक गोल इन्होंने जो है टॉयलेट्स का स्थापना किया तो अभी वाटर से रिलेटेड चल रहे हैं, दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें अनेकों गोल पूरे होते जाते हैं लेकिन प्रोग्रेस निरंतर रहती है। तो जो है पाठक साहब को जो पद्मश्री मिला उसी संदर्भ में फिर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट में, कि एक व्यक्ति वो जो है आयरलैंड में पैदा हुए थे, ये जो है इंडिया में पैदा हुए, उनको जो रिकॉग्निशन मिला वो जो है 98 के आसपास मिला लेकिन पाठक साहब को पद्मश्री 91 में ही दे दिया गया। तो ये डिफरेंस है, ये जो है अपने सतत अपने डेडिकेशन के साथ साथ लगे रहते हैं। दो बातें सर मैं और बताना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि किसी भी जूनियर को अपने दफ्तर में 5 बार की बजाय 3 बार बुलाएं, तो उसमें सब जो है आगे रुक गए थे, फिर उन्होंने कहा कि 2 बार आप स्वयं चले जाएं। ऐसे ही जो है मेरी जिज्ञासा हुई जिस दिन स्कूल में सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो मैंने 2-3 एम्प्लॉय से पूछा कि आप यहाँ कब से जुड़े हुए हैं।
एक इम्प्लॉई ने बताया कि 27 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं, 700 रुपये में मैंने नौकरी शुरू की थी, मैं फिर भी आप जुड़े हुए हैं, क्या उनकी वजह है, क्या ऐसा आपको है? बोले वर्तमान में मुझे 17,000 के करीब मिलते हैं, लेकिन मैं जुड़ा हुआ क्यों हूँ? यहाँ जब भी जो है किसी से कोई नहीं, काम से ओरिएंटेड रहो अपने, लेकिन जब मैं छुट्टी गया तो जो है दिल को मेरे को छू लिया इन्होंने कोरोना काल में, मेरी माताजी बीमार थी, तो ऑफिस से जब भी फ़ोन आता तो ये नहीं पूछते कि भाई आप कब आ रहे हैं वापस, ये पूछा जाता था कि आपकी माताजी कैसी है, क्या आपको पैसा चाहिए। दूसरा एक एम्प्लॉई था, उसने जो है 5-7 साल काम करके फिर छोड़ दिया था, वो बिहार से थे, तो पाठक साहब का वहाँ दौरा था, तो किसी ने साथ वाले जो पाठक साहब के थे उन्होंने बताया कि जो है सर ये कभी सुलभ में काम करते थे, सुलभ में काम करते थे अब कहाँ हैं, अब सर ये वापस आ गए थे गांव में, तो उनको जो है सर ने फिर से बुलाया, लेकिन उसने ऐसे बुलाने से नहीं आए वो, इन्होंने उसको कंटिन्यू टच में रहे, फिर उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे टिकट करके भेजा और मैं वापस जो है सुलभ में काम कर रहा हूँ, वो शायद 60 वर्ष के अराउंड उसकी एज, 55-60 के अराउंड। तो ये डेडिकेशन है, ये चीज़ें हम लर्निंग यहाँ से लेके जाएं, हर चीज़ में इनकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है देखा आपने, अब हर चीज़ में ये इम्प्लीमेंटेशन ही ढूंढते हैं। पहले हम जो सेशन शुरू होने से पहले बातचीत कर रहे थे, तो इन्होंने ये नहीं कहा चुप हो जाइए, इन्होंने कहा 2 मिनट आप बात कर लीजिए फिर इस सेशन को कंटिन्यू करिए, वो भी इम्प्लीमेंटेशन था। अभी एक और इम्प्लीमेंटेशन मेरे से पहले क्या था, जो है अभी प्रेजेंट कर रही थी स्कॉलर, तो वो तेज़ बोल रही थी, तो जो है उसमें भी इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया कि आप धीरे बोलिए ताकि सब समझ सकें। तो जो साइकोलॉजिस्ट हुए थे आइलैंड के, उनका TTM मेथड था, इन्होंने कोई पेटेंट नहीं कराया, वो प्रूव हो रहा है क्योंकि उसने अपना TTM मेथड का पेटेंट कराया, और इसलिए जो वो ट्रांसथोरेटिकल मेथड है वो जाना जाता है, लेकिन ये जो है खुली चीज़ें रखते हैं, सब सीखें और लर्न करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद, जय हिंद।